दोस्तों, मेरा नाम शहनाज है। वेलकम टू शहनाज गार्डन। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि अनार के पौधे में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर कैसा होता है और उनका पॉलिनेशन कैसा किया जाता है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं, आई होप जो बिगनर्स हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा इस वीडियो, तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये जो पहला फल दिख रहा है, ये मैंने हैंड पॉलिनेशन किया हुआ फल है। जब ये फल में अच्छी तरह से कन्वर्ट हो गया है, अब ये जो टेडी आप देख रहे हैं, इस टेडी को मैंने इसलिए रखा है कि मेरे गार्डन में गिलहरी ज़्यादा घूम रहे हैं तो वो सारे फूल को काट रहे हैं। तो मैंने थोड़ी वीडियोस में सर्च करके देखा कि टेडी को रखने से फूल नहीं काटेंगे, तो इसलिए मैंने रखा है। और जो अब ये फूल देख रहे हैं आप, इसको फीमेल फ्लावर कहते हैं। इस फीमेल फ्लावर में ये है, ऊपर ऐसा फल जैसा होगा और नीचे फूल बना रहेगा, इसको फीमेल फ्लावर कहते हैं। अब ये देखिए, जो दो दिन पहले मैंने पॉलिनेशन किया हुआ फीमेल फ्लावर है, अब ये पॉलिनेशन अच्छे से हुआ नहीं हुआ हमको दो दिन के बाद पता चलेगा। दो दिन तक शेनी से अच्छे से रहेगा तो ये पॉलिनेशन अच्छा हुआ होगा, अगर नहीं तो हल्का सा मुरझाएगा, फिर नीचे गिर जाएगा अपने आप। तो पॉलिनेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं। अभी मेरे पास फीमेल फ्लावर मेरे पौधे में नहीं है, सॉरी, मेरे पौधे में अभी मेल फ्लावर नहीं है, तो मैं दूसरे के पौधे से मांग के दो फूल लेकर आई हूँ। अभी समर सीज़न चल रहा है तो इसलिए मैंने ये कोकोपीट की मेरे पास पड़े तो इनको मल्चिंग के लिए रखा है, और इसमें मैं किचन कंपोस्ट डालती रहती हूँ तो थोड़ा थोड़ा पानी उसमें से नीचे निकलेगा पौधे के लिए। तो देखिए, ये वाला है मेरा मेल फ्लावर। तो इस देखिए, मेल फ्लावर में ऊपर से कुछ फल जैसा नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ बेल जैसा नज़र आएगा मेल फ्लावर में। अब देखिए, मैं इन दोनों को साथ साथ रख के दिखा रही हूँ। जो ये ऊपर फल जैसा बन के नीचे फूल खिला है वो फीमेल फ्लावर है, और उसके बाजू में जो मैंने पकड़ रखा है वो है मेल फ्लावर। इसके ऊपर कुछ फल नज़र नहीं आएगा, सिर्फ बेल जैसा नज़र आएगा। आप इन दोनों को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। अच्छे से देख लीजिए। अब इन दोनों को हम, ये देखिए, मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया के लिए मना के रखा है। तो हो गया फ्लावर की जानकारी। अब देखते हैं इनका पॉलिनेशन कैसा होता है। ये देखिए, मेल फ्लावर में जो येलो कलर का जो पराग होता है, इस पराग से हमको फीमेल फ्लावर को पॉलिनेशन करते हैं। तो अभी देखिए पॉलिनेशन कहाँ करना है। ये देखिए, फीमेल फ्लावर में जो अंदर, मेरा कैमरा का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है तो आप देख सकते हैं, अंदर जो ग्रीन कलर की एक डंडी जैसे नज़र आएगी। देखिए, अभी मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, अंदर ग्रीन कलर की एक डंडी जैसा नज़र आएगी, उसके ऊपर हमें हल्का सा वो मेल फ्लावर का जो पराग होता है उसको टच कराना होता है। तो देखिए, अभी जो मेल फ्लावर है इसको हम टच करेंगे तो जैसे येलोइश हमारे फिंगर पे भी लगेगा। अभी काफ़ी धूप है, मैं सुबह सुबह करके दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी फूल पड़ा है तो पॉलिनेशन करने के लिए, तो सोचा आप लोगों को दिखाते हुए करूँ, तो आप लोगों को जो बिगनर्स हैं उनको भी अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए, इस तरह से सारे मैंने तोड़ लिए। फिर उसके बाद अब इनको जो ग्रीनिश कलर का जो डंडी दिखता है तो उसको टच करना है। याद रखिए दोस्तों, जब फूल खिलता है उसी समय करना होगा। अगर आज खिल गया, आप कल करेंगे पॉलिनेशन, तो वो पॉलिनेशन नहीं रुकेगा। जिस दिन फ्लावर खिलता है फीमेल फ्लावर, उसी दिन हमको पॉलिनेशन करना होता है। ये देखिए, मेरे एक हाथ में कैमरा है और दूसरे हाथ से मैं पॉलिनेशन कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट मैं आपको कैमरा रिकॉर्ड करके ख़त्म होने के बाद, मेरे पास दूसरा फूल भी पड़ा है तो मैं उस फूल से फिर दोबारा पॉलिनेशन कर लूँगी। देखिए, अभी थोड़ा सा येल्लोइश दिख रहा है आपको, जो पहले ग्रीनिश डंडी दिख रही थी, अभी देखिए वो येल्लो में थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा है। तो इस तरह से येल्लो से दिखेगा तो डंडी थोड़ा बाहर आपको दिख रही है, तो ये पॉलिनेशन अच्छे से हो जाएगी, मतलब ये फूल अब आपको फल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, मेरे पास ये फ्लावर हो गया। अभी मेरे पास दूसरा फ्लावर भी है, वहाँ पर बॉल में मैंने रखा है। देखिए, दूसरा फ्लावर भी मैंने रखा है तो उससे मैं पॉलिनेशन कर लूँगी। इस तरह से आप एक दो फूल से पॉलिनेशन करेंगे तो आपको इस तरह से अच्छा
साइज में आपको फल मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छे से पसंद आया होगा। आप हर हफ्ते में लिक्विड फर्टिलाइज़र एक बार दीजिए, 15 दिन में एक बार कंपोस्ट फर्टिलाइज़र दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये सब मेरा गार्डन का है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।